पहले तो बधाई अखिलेश जी, चुनाव तो हारे आप मामूली अंतर से, लेकिन बढ़िया लड़ा आपने चुनाव, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। क्यों हार गया अखिलेश जी? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तो इतना बढ़िया लड़ रहे थे। अब छोड़िए, जाने दीजिए क्यों हार गए, हम यहाँ पे समीक्षा करने से क्या है। दुख तो हो रहा होगा अखिलेश जी, मामूली अंतर से हार गए। हाँ, निश्चित रूप से मैंने बहुत मेहनत की थी, कोई संभावना भी नहीं थी हारने की। खैर, आज के आपके प्रश्न पे आते हैं। चलिए आइए प्रश्न पर आइए और ये बताइए जी, जब हमेशा से परंपरा ये कहती है अखिलेश जी के स्पीकर का चुनाव सर्वसम्मति से हो जाता है जी, क्यों इस बार फिर, जबकि आंकड़े एनडीए के पक्ष में है, आपको उम्मीद थी कि टीडीपी और बीजेपी में झगड़ा होगा, स्पीकर के लेकर खींचतान होगी, कोई खींचतान नहीं हुई, उनका ज्वाइंट कैंडिडेट है तो आपको समर्थन कर देना चाहिए था। क्या परंपराएं सिर्फ सत्तारूढ़ दल की ही आप लोगों की आदाती हैं? संविधान के अनुसार संसद पक्ष विपक्ष दो धुरी हैं, और जैसा भी प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा कि बहुमत नहीं सहमत से बन चलती है सरकारें, परंपरा ये भी तो है कि उपाध्यक्ष विपक्ष को मिलता रहा है। कांग्रेस पार्टी 10 साल दिल्ली में सत्ता में जब थी तो विपक्ष को दे रखी थी, यही परंपरा रही है। बीजेपी को सिर्फ सब कुछ उनको चाहिए, लेकिन जो विपक्ष का या दूसरे दलों का अधिकार बनता है वो देने में उन्हें जरा सा भी ये नहीं आता है कि हमें ये चीज़ विपक्ष की बनती है, हक बनता है, उन्हें देना चाहिए। क्यों भाई ऐसा स्वभाव क्यों बीजेपी का है, और वो भी बीजेपी जो मोदी जी वाली है। तो अगर आप निर्वहन जैसा करो, पर आप साबित क्या करेंगे अखिलेश जी, क्योंकि आंकड़े तो एनडीए के पक्ष में है और एनडीए के उम्मीदवार ओम बिरला का जीतना लग रहा है। अगर सब पक्ष में सत्ता में बैठा है, बहुमत से आया है, तो क्या विपक्ष घर चला जाए? आप कहना क्या चाहते हैं? बहस है, बातचीत होगी, सब लोग मिलकर इस देश के, सब विपक्ष भी देश के हित के लिए बैठा है, और वो देश की बात करने के लिए है, देश के लिए काम करने के लिए बैठा है। सत्तारूढ़ दल यदि अपने मतांधता में कुछ कर रहा है तो विपक्ष ही तो आईना दिखाता है, वो बात करता है, जहां आवश्यकता होती है सत्तारूढ़ दल का विपक्ष पूरा मदद करता है। अच्छा, डिप्टी स्पीकर का पद इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है अखिलेश जी? अरे न भी हो इस पे बहस बात की बात है, आपने परंपरा की बात की। हाँ। परंपरा के अनुसार उन्हें कह देना चाहिए। हम तो अभी भी कह रहे हैं कि आप डिप्टी स्पीकर विपक्ष को दीजिए, चुनाव नहीं होगा। अजय आलोक मेरे शो पर अखिलेश जी पहले भी कह चुके कि आप ये संसद की पहली अग्नि परीक्षा या टेस्ट या परीक्षा आने दीजिए, हमारे आंकड़े 203 हैं, 300 पार दिखाई देंगे आपको। आंकड़े 300 पार कह रहे हैं वो, अदर्स वाले भी उधर आ जाएंगे। आंकड़े जितने हो हम उसकी बात ही नहीं कर रहे, हम तो आपकी नीयत की बात कर रहे हैं कि आपकी लोकतंत्र में, लोकतंत्र की परंपराओं में आपकी आस्था है कि नहीं है। यही हम लोग शुरू से कहते हैं कि मोदी जी की आस्था नहीं है, उनकी सोच तानाशाही है, वो संविधान को नहीं मानते हैं, वो लोकतंत्र की परंपराओं को नहीं मानते हैं। लोकतंत्र में संविधान और संवैधानिक परंपराएं, यही दो चीजों से चलता है। ओके। आप जब उसको नहीं मानेंगे, आज हर किसी को संविधान की बात क्यों करनी पड़ रही है? आप परंपरा की बात करते हो, आप परंपरा क्यों नहीं निभा रहे हो? क्या जाता आपका भाई? क्या इसीलिए राहुल गांधी आज भी शपथ लेते हुए भी संविधान की कॉपी अपने साथ ले गए? वो तो हर कोई किया, हर कोई कर रहा है, क्योंकि खतरा संविधान पे ही है। और आप सत्ता में आते हैं पहले दिन दिखा रहे हो कि हम अपनी तानाशाही जारी रखेंगे, हम विपक्ष की नहीं सुनेंगे, हम सबको साथ लेके नहीं चलेंगे। बातें तो करोगे ऊंची ऊंची आदर्श, लेकिन कर्म आप करोगे right. एक बोलोगे कि बहुमत नहीं सहमत, बहुमत से सरकारें बन सकती हैं, लेकिन सरकार तो सहमत से चलती है। ओके अजय आलोक, सहमत कहां गई बताइए।